One, two, three, come on! अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अभी पहुंच चुका हूं जी गुजर खान जीटी रोड के ऊपर, और गुजर खान में हूं अभी, और बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। और गुजर खान की सबसे जो खसूसियात में से एक खसूसियत है जी कि यहां के सबसे अच्छे पकोड़े मिलते हैं, तो अभी टेस्ट भी करेंगे पकोड़े भी। और यहाँ पे मूंगफली बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में गुजर खान की, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे वीडियो को। ये शहर है जी गुजर खान, मेन बाज़ार है जो ये वहाँ पे हूँ, तो ढूंढते हैं अभी पकोड़े कहाँ से मिलेंगे। वैसे जुमे का टाइम है, जुमा भी पढ़ना है, तो देखिए एंजॉय करें जी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए जी, ये अभी मैं पहुंच गया गुजर खान शहर में। तो जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ के फेमस है पकौड़े, वो भी खाएंगे अभी। ये रहे जी, ये पकौड़े जी यहाँ के जो फेमस है, ये बाज़ार के अंदर ही शॉप है। चाचा कहाँ पे दुकान है ये, इस दुकान का नाम क्या? अच्छा, रेलवे रोड पे है जी ये, नहीं पकोड़े वाले हैं जी, यहाँ से पकोड़े ले रहा हूँ अभी मैं। गुजर खान यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, ये है जी जेलम का ब्रिज, और ये राजा पोरस का इलाका है जिसको सिकंदर आजम ने फतह करने की कोशिश की थी और इसको फतह नहीं कर पाए। ये जेलम की वही नदी है कि एक तरफ राजा पोरस की फौजें थी एक तरफ उस तरफ, और उस तरफ अलेक्जेंडर दी ग्रेट की फौजें थी जो एक दूसरे के मद मुकाबल थी। और अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने, जैसा कि आपको पता होगा हिस्ट्री के बारे में, कि आधे से ज़्यादा दुनिया फतह की हुई थी। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे एक बादशाह थे यहाँ के, राजपूत राजा पोरस, जिनका नाम हिस्ट्री में लिया जाता है, और उन्होंने इससे आगे नहीं आने दिया इनको, और यहीं पर ही कहा जाता है कि राजा पोरस की जब लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट को ऐसा कुछ लगा था, तलवार या बर्छी या तीर, जिसकी वजह से वो बाद में उसको सर्वाइव नहीं कर पाया और थोड़े अरसे के बाद वो मर गया था वापस जाने के बाद। तो ये जी जेलम नदी है। आजकल तो कितना आसान हो गया है, ये ब्रिज जिस तरह बने, वो सामने ट्रेन का ब्रिज है, इसको क्रॉस करना कितना आसान है, मगर उस ज़माने में असल में इसको क्रॉस करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, क्योंकि आजकल तो पानी भी वैसे ख़त्म हो गया है, उस वक्त तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पानी भी होगा। जितने भी सुरमाएँ जो अफगानिस्तान के रास्ते बरसगीर में दाखिल होते थे, वो इसी रास्ते के थ्रू आगे इंडिया तक जाते थे। ये वही रोड है जिसे जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रक रोड इसे कहा जाता है।